इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू द 247 में आपका स्वागत है और मैं सोलंकी आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूँ आपके आज के सेशन में। तो भाई यहाँ पे हम बात करेंगे आपके आज के क्वेश्चंस की, जो कंप्यूटर को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं आपके DSSSB और KVS के अंदर। तो जो बच्चे भी ऐसे हैं जो हमारे साथ अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं, वो सारे बच्चे फटाफट लाइव जुड़ जाइएगा और हम यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं वो आपके क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। जो 10 से 15 क्वेश्चंस आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं पहले उससे बात करेंगे हम लोग। 10 to 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है, जो बेसिक लेवल के होते हैं और उससे फिर हम बात करेंगे आगे। तो जो बच्चे भी ऐसे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर क्या होगा बताइए सर। सेशन को भाई सारे बच्चे फटाफट से शेयर कर देंगे जिन बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया है। क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेस है इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन फिजिकली टच। तो उन्हें आप हार्डवेयर कहेंगे, डिवाइस कहेंगे या पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे या एप्लीकेशन कहेंगे, क्या कहेंगे आप? तो मेरे साथ यहाँ पर SRS जुड़ चुके हैं, इंग्लिश एजुकेशन क्लास जुड़ चुके हैं, आराध्या स्वामी जुड़ चुके हैं, ललिता रावत जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने आंसर मुझे ए दिया है कि सर आंसर इसका ए होगा, हार्डवेयर होगा सर, क्योंकि जिन पार्ट्स को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम लोग हार्डवेयर ही कहते हैं, ठीक है। तो आंसर ए बनेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेट इन द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं या फिर स्टोरेज कंपोनेंट कहते हैं, क्या आंसर बनेगा भाई आपका यहां पर? भाई सारे बच्चे बताएंगे सेशन को शेयर लाइक करते हुए, सर इतने इजी नहीं आते हैं। देखो बेटा अमित राजसोरेन, मैं बता चुका हूं कि अभी हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो आपके, मैंने पहले ही कहा था कि जो 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो इजी आते हैं उन पर बात कर रहा हूं मैं आज अभी। तो सेशन हमारा है, देखो ध्यान रखना आपके एग्जाम में फंडामेंटल के भी, MS ऑफिस के भी और बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस आगे देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। आज हम ज़्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं करेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे जो मैं पहले क्लासेस में कर रहा था, ठीक है। देखा सर मैंने करके बच्चे कम बहुत कम आ रहे थे, इसलिए मैंने बंद कर दिया था वो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा, बताओ चलो ठीक है इसका आंसर बताइए क्या आंसर रहेगा। अब आपको इजी लग रहा है ये क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सिस्टम यूनिट है। देखता हूँ सर कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। भाई मौसम खराब हो रहा है बाहर, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से रहें। आपका पता नहीं मुझे यहाँ मौसम खराब हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हैं बच्चे? थर्ड लगा रहे हैं और थर्ड इज द राइट आंसर, सिस्टम यूनिट, बिल्कुल सही आंसर है आपका थर्ड। हेलो हेलो, तो भाई यहाँ पर जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? थर्ड रहेगा, सिस्टम यूनिट रहेगा। नेक्स्ट है सर आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्या हैं भाई आपके? इनपुट डिवाइस हैं, तो कोई एक कौन सा है इनमें से? आरवंस अकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो बड़े यहाँ पर जो है देख रहे हो आप, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, हाँ प्रिंटर जरूर आपका ऐसा डिवाइस है। जो कैसा है भाई आपका प्रिंटर जो है वो आउटपुट में आता है। भाई सेशन को शेयर कर दो भाई आज बच्चों, ध्यान रखना ये KVS के लिए भी, DSSSBA के लिए, सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो ये सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज जो है सबको आना है भाई। नेक्स्ट है सर आपका बच्चों, द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? हाँ
बताइए सर, क्या आंसर बनेगा आपका? यहां पर कौन सा आपका इनमें से जो है इनपुट वाइज है? तो भाई देखो, स्पीकर है, सीडी है, स्पीकर आपका आउटपुट हो गया, सीडी आपका स्टोरेज में आ गया, प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया, स्कैनर डिवाइस आपका ऐसा है जो कैसा होता है आपका भाई, इनपुट होता है, केवल और केवल कैसा होगा? स्कैनर। अच्छा, स्कैनर करता क्या है भाई? तो आप कहेंगे सर स्कैनर आपकी जो है स्कैन करता है, ठीक है, लेकिन सर ये सब जानते हैं, सही पॉइंट जब बनता है तो पूछा जाता है स्कैनर क्या होता है। तो स्कैनर आपका, आपकी जो हार्ड कॉपी होती है उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। एक्सैक्ट, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, प्रिंटर्स होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होगा, सीडी ड्राइव होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई क्या आंसर बनेगा आपका? ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो भाई प्रिंटर जो है आपका वो आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी आपका हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ आपके स्टोरेज डिवाइस के होते हैं। ठीक है सर। वरुण जी, ललिता जी, जयदेव, समझ में आ रहे हैं पॉइंट? क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चंस, कोई डाउट किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में? भाई पूछते रहे ना। सुजाता शर्मा जी, प्रिंटर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। कोई भी डाउट रहे, कोई भी कंफ्यूजन रहे, पूछते रहेगा। सीपीयू और मेमोरी आर लोकेट द, सीपीयू और मेमोरी जो होती है वो कहाँ पर होती है सर आपकी? तो एक्सपेंशन बोर्ड होता है, या मदरबोर्ड होता है, या स्टोरेज डिवाइस, या फिर आउटपुट डिवाइस, क्या आंसर बनेगा भाई आपका? देखो भाई, सीपीयू और मेमोरी जो दोनों होते हैं वो आपके मदरबोर्ड पर लोकेट होते हैं। अगर देखा जाए तो कहाँ मिलेंगे ये आपको? मदरबोर्ड पर। यानी कि राइट आंसर हमारा बन जाएगा आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है सर आपका? मेन सिस्टम बोर्ड होता है मदरबोर्ड आपका, आपके सिस्टम का मेन बोर्ड होता है मदरबोर्ड। यानी कि सारे के सारे आपके जो स्टोरेज डिवाइस हैं, ठीक है, या सीपीयू है, रैम है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सारे के सारे आपके मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। और जितने भी आपके एक्सटर्नल डिवाइस, ध्यान से समझिएगा एक पॉइंट और, जितने भी आपके एक्सटर्नल डिवाइस जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। एक बात ध्यान से समझिएगा, जो डिवाइस, जो एक्सटर्नल डिवाइस मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। इसमें आ जाते हैं आपके क्या? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी डिवाइस होते हैं आपके सारे के सारे ये कनेक्ट होते हैं सर आपके मदरबोर्ड से। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आता है तो आपको उसका पता होना चाहिए। ठीक है सर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। जो आपके चार मेजर फंक्शन होते हैं आपके कंप्यूटर के प्रोसेस करने के, वो भाई आपके कौन से हैं ये पूछा गया है, इनका सही सीक्वेंस क्या है। एक्सपेंशन बोर्ड कुछ नहीं होता बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। सोनमणि यादव, ममता जी आप कहाँ से हो भैया, हमारे बारे में पूछ लो, हम कहाँ से हैं, हैं तो क्वेश्चन पूछ लो, नहीं समझ आ रहा हो तो। ललिता जी कंप्यूटर नहीं आता है आपको, तो हम सिखाएंगे ना, टेंशन काहे ले रहे हैं आप, ठीक है। देखो होता है क्या है, कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले आप डेटा को इनपुट करते हो, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट मिलता है, और इस आउटपुट के बाद डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब सर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपका यहां फोर्थ बनेगा, इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट एंड देन स्टोरेज, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जयदेव, संदीप, ममता, सुजाता, ललिता, कल्पना, आई होप यहां तक कौन क्लियर है, संदीप। सेवंथ का फोर हो गया। अच्छा अब सर ये पोर्ट दिए हुए है, पूछा गया है कि कौन सा पोर्ट कौन से डिवाइस पर कनेक्ट होता है। तो देखो बीजीए पोर्ट की अगर बात करें तो इससे हम कनेक्ट करते हैं मॉनिटर को, पैरल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं हम लोग प्रिंटर को, सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं हम लोग मॉडेम को, ईथरनेट पोर्ट कनेक्ट करते हैं हम लोग DSL को, और भाई आपका USB पोर्ट कनेक्ट होता है फ्लैश ड्राइव से। USB पोर्ट कनेक्ट होता है आपका फ्लैश ड्राइव। भाई सेशन को बच्चों फटाफट से यार शेयर कर दो, जो बच्चों ने अब तक सेशन को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो बच्चे फटाफट से सेशन को भाई लाइक और शेयर कर देंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, जो आपके हर एग्जाम कंप्यूटर एग्जाम में आते हैं। अगर आप NUS का भी पेपर दे रहे हो, KVS का दे रहे हो, DSSB का दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, या फिर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो फर्स्ट पेपर होता है वो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भाई ऐसी कौन सी की है, एंड द की कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर की टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क, यानी कि कंबाइन करते हुए आप कौन सी संयोजन करके आप कौन सी की का होती हैं, इसमें कंट्रोल प्लस ऑल्ट होती है, फंक्शन एंड टॉगल होती है, डिलीट एंड इंसर्ट होती है, कैप्स लॉक या फिर नम लॉक होता है। बच्चों यहां पर आंसर बनेगा आपका, देखो भाई कंट्रोल प्लस ए आपने सुना होगा, कंट्रोल प्लस बी आपने सुना होगा, तो ऑप्शन जो ए है कंट्रोल और ऑल्ट, ये दोनों ही आपके क्या हैं, इनको वैसे हम कहते हैं मॉडिफायर कीज, ठीक है, मॉडिफायर कीज कहलाती हैं वैसे। MICR का मतलब क्या होता है भाई, MICR स्टैंड फॉर माइकर, स्टैंड फॉर MICR, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR सर आपका सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, ठीक है, MICR का यूज बैंकिंग सेक्टर में होता है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। डेजीबिल प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ, डेजीबिल प्रिंटर जो है एक प्रकार का क्या है, मैट्रिक्स प्रिंटर है, या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर है, या फिर लेजर प्रिंटर है,
या फिर मैनुअल प्रिंटर है, डेजी व्हील। प्रिंटर की सर अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, है ना? एक इंपैक्ट और एक आपका नॉन इंपैक्ट। तो भाई डेजी व्हील जो आता है वो किस में आता है? इंपैक्ट प्रिंटर में। ऐसे प्रिंटर जो पेज पर इंपैक्ट डाल के प्रिंटिंग करते हैं, साउंडेबल होते हैं, आवाज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस डिवाइस पर सीधे मुद्रित छवि के लिए चलाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड? कितना तेज हवा चल रहा है भाई आज तो यार। ओसीआर होता है, ओएमआर होता है, एमआईसीआर होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो भाई ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड जो होती है वो आपकी ओसीआर से होती है। ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, डॉट पर इंच होगा, डॉट पर स्क्वायर इंच होगा, डॉट प्रिंटेड इंच, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो भाई प्रिंटर की जो क्वालिटी जो मेजर होती है वो होती है डीपीआई में, डॉट पर इंच। और मॉनिटर की क्वालिटी जो मेजर होती है वो होती है पीपीआई में। यानी कि पिक्सल पर इंच, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखना। मॉनिटर की क्वालिटी की बात आती है तो पीपीआई, प्रिंटर की क्वालिटी बात आती है तो डीपीआई। अच्छा, अगर हम प्रिंटर की स्पीड की बात करें, प्रिंटर की स्पीड, तो दैट इज मेजर्ड इन सीपीएस। सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड। सीपीएस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर पर सेकंड। भैया सेशन पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक करते जाएं साथ ही साथ। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, हैं? कोई दुश्मन नहीं है भैया हमसे, शेयर तो करना ही है, लाइक भी करना है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 13 हो चुका है, 14 पे आते हैं। इन द मोस्ट आईबीएम पीसीज द सीपीयू द डिवाइस ड्राइव्स मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट्स are mounted on a single board. And what is the name of this board? Motherboard कहेंगे इसको, या फिर breadboard कहेंगे, या daughter board कहेंगे, या फिर grandmother board कहेंगे। जितने भी आपके components होते हैं वो सारे के सारे केवल एक ही board होता है, उसे हम कहते हैं मदर बोर्ड। इसके अलावा कोई डॉटर बोर्ड, फादर बोर्ड, सिस्टर बोर्ड नहीं होता। समझ रहे हैं आप? ओके ललिता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भैया मदर बोर्ड होता है, मदर बोर्ड ही आपका सबसे मेन बोर्ड होता है। मदर बोर्ड आपका यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो भैया आंसर बन गया यहाँ पर ए। नेक्स्ट है सर आपका, कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मदर ऑफ पीसी, प्रोसेसर यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस, एंड व्हाट आर दीज कंडक्ट लाइंस कॉल्ड? मदरबोर्ड पर जो आपकी लाइनें बनी होती हैं इस तरीके से देखा हुआ और आपने, तो भाई इन लाइनों को क्या कहा जाता है?
तो भैया इन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, कहते हैं बसेस, कहते हैं या फिर कनेक्टर्स कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं बसेस। तो ठीक है, द बसेस बसेस कहलाती हैं, और बसेस आर यूज टू ट्रांसफर द डेटा सिग्नल्स बिटवीन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। बसेस का जो यूज होता है वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। डेस्कटॉप, विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा प्रिंटर यूज होता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजीबिल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो भैया ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, तो वहां पर हमेशा लेजर प्रिंटर का यूज होता है। बड़ी बड़ी जो है काफी मात्रा में प्रिंटिंग होती है, वहां पर हम लोग लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं। देखा होगा आपने, ऑफिशियली भी सबसे ज्यादा लेजर प्रिंटर का ही यूज होता। कंप्यूटर टर्मिनल का नाम क्या है जो आपको पेपर प्रिंट आउट देता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव्स पेपर प्रिंट आउट? तो डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं उसको, या फिर उसको सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल कहते हैं, या फिर हार्ड कॉपी टर्मिनल कहा जाता है? क्या कहा जाता है सर उसको? तो उसे कहा जाता है सर आपका हार्ड कॉपी टर्मिनल, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो भाई, पेपर की जो कॉपी है, जब तक आपके सिस्टम पर है वो, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। ठीक है, और जब पेपर से प्रिंट आउट हो जाता है तो वो बन जाती है हार्ड कॉपी। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, हार्ड कॉपी टर्मिनल। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है इसमें से सर? विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? प्रिंटर नहीं है कि मॉनिटर नहीं है कि कीबोर्ड नहीं है कि मॉडेम नहीं है? तो भाई ध्यान रखिएगा, विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी है, कीबोर्ड नहीं होता। कीबोर्ड इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट, आउटपुट और इनपुट डिवाइस के रूप में कौन सा काम करता है? बोथ, विच वन वर्क एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? मॉडेम काम करता है, मॉनिटर करता है, या स्कैनर करता है, या माउस करता है? तो भाई यहाँ पर आंसर बनेगा आपका, मॉडेम जो होता है वो एज ए इनपुट भी काम करता है और आउटपुट भी। कल्पना, मॉडेम क्या होता है? तो देखो, मॉडेम क्या होता है, पहले हम लोग मॉडेम का यूज करते थे। मॉडेम का काम क्या होता है पता है? ये जो आपके एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं इनको डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर करना। ये डिजिटल सिग्नल आपके थे और ये थे आपके एनालॉग सिग्नल।
नेक्स्ट 20 कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। सर कंप्यूटर जो ब्रेन होता है ना उसे हम कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। हाँ बिल्कुल प्रीति ने सही बताया है, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है आपका मॉडेम। ठीक है बच्चों, क्लियर है पॉइंट? भाई कहाँ है सभी लोग, जल्दी से आ जाओ भाई, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और फटाफट से सेशन में लाइव रहो यार। इतना इम्पोर्टेंस है सर आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं और आप जो है लाइव नहीं आते हैं सर, ये बड़ा ही एक चिंताजनक विषय है हमारे लिए। ठीक है क्यों भाई? चाहते क्या हैं आप, काहे नहीं आते हो भैया, लाइव आया करो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द, यानी कि जो मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट कनेक्ट होते हैं उसे आप क्या कहेंगे बताइए। हार्ड ड्राइव कहेंगे, मदरबोर्ड कहेंगे, फादर बोर्ड कहेंगे या मेन बोर्ड कहेंगे? तो भाई साहब यहाँ भी कहेंगे हम लोग क्या, मदरबोर्ड। ठीक है मदरबोर्ड इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है प्रीति जी, सर हमने शेयर किया है, बिल्कुल सही प्रीति आपने शेयर किया है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं हमारे जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं, हम उनकी इंतजार में बैठे हुए हैं, वो लाइव आए अच्छी बात है, कुछ सोच के कुछ समझ के कुछ पढ़ के जाएं यहाँ से। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इज द, वो पार्ट कंप्यूटर का जो प्रोसेस करता है, तो भाई उसे हम क्या कहेंगे, फ्लॉपी डिस्क कहेंगे, सीडी रोम ड्राइव कहेंगे या मॉनिटर कहेंगे या फिर माइक्रो प्रोसेसर? तो सर उसे कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है क्या आंसर लगेगा, फोर्थ लगेगा। ट्वेंटी टू का फोर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं, स्पेस दिया हुआ है इनेबल योर कंप्यूटर टू कनेक्ट अदर कंप्यूटर्स, यानी कि सर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम कौन बनाता है, वीडियो कार्ड या फिर एनआईसी या फिर साउंड कार्ड या फिर कंट्रोलर कार्ड या फिर नन ऑफ दीज? ठीक है तो भाई यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ लगाइए एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड अगर होगा आपके सिस्टम पर तो सिस्टम आपका नेटवर्क में आएगा, और अगर एनआईसी कार्ड नहीं होगा तो सिस्टम नेटवर्क में नहीं आएगा। तो सेकंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेस दिया हुआ है पोर्ट सेंड डेटा वन बिट एट अ टाइम एंड इज ऑफन यूज टू कनेक्ट मॉडेम टू कंप्यूटर, यानी कि एक टाइम पर एक ही बिट सेंड करता है और मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। विजेता जी जिस क्लास इज हेल्प फॉर KVS NVS DSSB सुपर टेट, ठीक है इन सब के लिए क्लास हेल्पफुल है आपके लिए भैया। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट पर नहीं, पैरल नहीं होगा प्रीति, पैरल में तो आपकी ग्रुप्स ऑफ बिट ट्रांसफर होती हैं, पैरल में क्या होता है ग्रुप्स ऑफ बिट का ट्रांसमिशन होता है, यहाँ बात हो रही है सीरियल की, वन बिट एट अ वन टाइम की।
नेक्स्ट, डिलीट की, नमलॉक की एंड कैप्सलॉक की आर कंसीडर्ड एज अ फंक्शन की, टॉगल की, कर्सर कंट्रोल या फिर कंट्रोल की, बताइए सर क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर। बताइए सर क्या आंसर बनेगा। तो भाई यहाँ पे आंसर बनेगा टॉगल की, क्योंकि तो टॉगल की में क्या होता है ऑन या फिर ऑफ का कॉन्सेप्ट रहता है। आपने लिखे स्मॉल में ए बी सी डी, आप चाहते हैं लिखना इसको कैपिटल में ए बी सी डी, लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है टॉगल। तो ये नम लॉक है, नंबर लॉक को ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए, कैप्स लॉक होता है ऑन ऑफ करने के लिए, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर आपका टाइप ऑफ मॉनिटर लाइक ट्रेडिशनल टेलीविजन, जो पुराने जमाने में हम लोग टेलीविजन की तरह दिखता था मॉनिटर, वो मॉनिटर का नाम क्या है। तो वो डिस्प्ले है, सीआरटी है, एलसीडी है या फ्लैट पैनल है, क्या रहेगा। तो भाई यहाँ पे आंसर रहेगा सीआरटी। नेक्स्ट आर लार्ज प्रिंटर्स यूज टू प्रोड्यूस ओवरसाइज प्रिंटिंग पिक्चर्स दैट रिक्वायर प्रीसाइज कंटिन्यूअस लाइन सच एज SMPS और आर्किटेक्चर प्लान। बड़ी बड़ी प्लान्स जो होते हैं, बैनर्स हो गए, फ्लैग्स हो गए, वहाँ पर जो हम लोग प्रिंटर यूज़ करते हैं वो कौन से प्रिंटर्स होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स कहते हैं, या उनको थर्मल प्रिंटर्स कहते हैं, या मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स कहते हैं, या प्लॉटर्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अरविंद कुमार ने आंसर दिया है सर, प्लॉटर्स कहते हैं उनको, और वेरी गुड, प्लॉटर इज द राइट आंसर। प्लॉटर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी प्रिंटिंग करने काम आते हैं सर, ध्यान रखिएगा। स्पेस दिया हुआ है पोर्ट, या स्पेस पोर्ट सेंड डेटा वन बिट एट अ वन टाइम, ये तो वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो क्या था इसका, सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट स्पेस दिया हुआ है पोर्ट ट्रांसमिट डेटा इन अ ग्रुप्स ऑफ बिट्स फास्टर देन सीरियल पोर्ट इज जनरली यूज टू कनेक्ट प्रिंटर, और प्रिंटर को सब कनेक्ट कराने का काम आता है, तो ये प्रिंटर कौन सा होता है भाई। तो
तो ये प्रिंटर होता है, पोर्ट हमारा पैरेलल पोर्ट होता है। द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड यूज विच लेआउट, सही होता है हमारा क्वेरिटी 29 का हो जाएगा, हो गया 30 का आंसर बताइए अब। क्वेरिटी थर्ड। तो बेटा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझना है, कोई भी डाउट रहता है तो पूछना है, ठीक है संदीप? ललिता क्लियर पॉइंट। सुमन दुबे ने 30 का लगाया है, ए ए नहीं होगा 30 का। हाँ जयदेव ने लगाया है, जयदेव कुंतल। जयदेव कुंतल कहाँ से हो भाई, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? क्वालिटी लगाया है आपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर एक मशीन चक्र क्रियाओं का उचित क्रम क्या है, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन मशीन साइकिलिंग। जी नासिर नरसी डागर, बिल्कुल आपकी मेल का रिप्लाई करेंगे, आपकी मेल देख लेंगे भाई क्या मेल किया है आपने। अभी तो कोई मेल आया नहीं है आपका यार, मैं मेल तो मेरे सामने ओपन भी है। भाई यहाँ पर जो आंसर है मेरे पास, हाँ जैसे मथुरा से ही है आप, वही मुझे लग रहा था मथुरा से ही होंगे आप, ठीक है। भाई यहाँ पे सबसे पहले ये एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर इसको डिकोड, फिर नहीं, पहले फैच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट और स्टोर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन गया, सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता सर आपका, इनमें से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है, तो वो स्टैटिक रैम होती है, डायनामिक रैम होती है, या फिर ईपी रोम होती है, बताइए अरविंद जी। 32 का आंसर क्या बनेगा आप? तो भाई यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डायनामिक रैम, डी रैम। और डी रैम में हम जो यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, DDR1 या फिर DDR2 या फिर DDR3, हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप में है, या फिर लेटेस्ट आ रही है DDR4, ये यूज़ हो रही है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रैम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है भाई रैम की? हाँ डी रैम जो है पावर उसको रेगुलर चाहिए, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म होता है, तो 33 का आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक टेम्परेरी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी है और वो कैसी है, टेम्परेरी। तो भाई यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका पीरोम, पीरोम पीरोम कहाँ है, नहीं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? मैग्नेटिक ड्रम होगा, पीरोम होगा, फ्लॉपी डिस्क या फिर ऑल ऑफ दीस? तो भैया यस का आंसर मैग्नेटिक ड्रम होगा, पीरोम होगा, क्या रहेगा? तो आंसर हो जाएगा पीरोम, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज में हम लोग पीरोम का यूज करते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉट नीड टू रिफ्रेश? कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? एस रैम, डी रैम या रोम या फिर ऑल ऑफ दीस? यूएस स्टार्ट हो रहा है कौन से DSSP का या कौन सा कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट हो रहा? न्यू एक तो न्यू बैच हमारा DSSP का कंप्यूटर साइंस का नया बैच शुरू हो रहा है 17 मई से। उस बैच को परचेज करना चाहें तो बेटा Y1844 यूज़ कर सकते हैं, आपको मात्र इतने रुपए मिल जाएगा वो प्रोडक्ट, आपको 923 रुपीज में मिल जाएगा, 900 रुपये के लगभग। तो बेटा यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा SRAM। इस SRAM इज मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स, सो नो नीड टू रिफ्रेश बिकॉज कंटिन्यूस पावर चाहिए इसको, इसमें पावर लॉन्ग टाइम तक रहती है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज वैलिड? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है या वैलिड है? तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 byte। हाँ बिल्कुल है, KVSCS का भी यही बेस ज्वाइन कर सकते हैं आप, दोनों का सेम है। जुगल क्लियर है? तो सुमन दुबे ने बताया 37 का ए, एंड ए इज द राइट आंसर। अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन डिवाइस। अ बाइट होगा, रिकॉर्ड होगा या फिर एड्रेस होगा? ऑप्शन सी एन एड्रेस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? कौन सा इसमें से आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है? वही प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात आती है तो आपका इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज में जाएगा आंसर। सीधा लगाएं आंसर बिना देखे हुए नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज हैं। देखो भाई, मैग्नेटिक टेप तो वो होता है जो हम लोग पहले कैसेट्स यूज करते थे, आपको याद होगा। कैसेट के बारे में अगर आप जानते हो तो पहले जिसमें गाने भरे जाते थे 8 से 10 गाने आते थे, ठीक है, वो होते थे आपके, वो थे मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क में डिस्क आ गई, ऑप्टिकल डिस्क में आपका क्या आ गया भाई, CD आ गया, DVD आ गया और BRD आ गया। ठीक है, द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर, दो प्रकार की मैन मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम।
तो भाई यहाँ पर आंसर बनेगा हमारा रोम एंड रैम। मेन मेमोरी में आपका आता है प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी में आती हैं आपकी रोम एंड रैम। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। 40 का सी लगाइए, बहुत से बच्चे 40 का लगाते हैं ए, जो गलत लगा देते हैं। देखो यहाँ पर भी सुमन, ठीक है, अरविंद, सब लोग जो है ए लगा रहे हैं, लेकिन सही आंसर क्या है इसका? सी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाई डेंसिटी डबल साइड फ्लॉपी डिस्क फॉर स्टोर ऑफ डेटा, यानी कि सर जो फ्लॉपी डिस्क का डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, सिंगल डेंसिटी हो डबल डेंसिटी हो, उसका स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.44 MB। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ अरविंद, अब सी हो गया है, तो 41 का हो जाएगा बेटा। देखो फिर वही गलती कर गए सुमन, गलती फिर वही कर गए। 1.44 तो है, लेकिन बाद में देखो जीबी है कि एमबी है। जी हाँ, नया बैच 17 मई से स्टार्ट हो रहा है। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, डायरेक्ट एक्सिस होगा, सीक्वेंशियल एक्सिस होगा, बोथ ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो भाई ध्यान रखना, मोस्ट पॉपुलर पूछा गया है मैग्नेटिक डिस्क के लिए, तो मोस्ट पॉपुलर क्या होता है आपका? डायरेक्ट एक्सिस होता है। सीडी रोम स्टैंड फॉर, सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो भाई कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये रहा डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आ रहा है समझ में? भाई सीडी का नाम है पूरा, इसका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB, 700 MB होता है इसका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। गीगा बाइट किसके बराबर है सर? तो भाई 1024 MB के बराबर होता है गीगाबाइट, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, 0 और 1 होता, उससे बड़ी यूनिट होती होती है 4 बिट। और 1 byte इज इक्वल टू द 8 बिट। वन किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट, और 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, सबसे छोटा मेमोरी साइज में से कौन सा है? तो यहां पे आंसर रहेगा किलोबाइट। द मेमोरी विच इज अटमोस्ट
एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर इज, यानी कि जो मेमोरी बार बार यूज होती है वो कैश मेमोरी है या फिर रैम है या फिर हार्ड डिस्क है या फिर फ्लैश मेमोरी है जिसका बार बार यूज होता है। भाई वो होती है आपकी कैश मेमोरी। और भाई कैश मेमोरी का यूज कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, भाई फ्लैश मेमोरी में फोन टीवी एसडी नहीं समझ आया क्या क्वेश्चन है आपका। सबसे जो फास्ट मेमोरी होती है बेटा वो होती है रजिस्टर मेमोरी, सबसे फास्ट। हाँ ये आपकी L1, L2, L3 टाइप से आती है। भाई इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सीपीयू द्वारा विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। मास मेमोरी होगा या फिर इंटरनल मेमोरी या फिर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या पीरोम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंटरनल मेमोरी। आंसर रहेगा इंटरनल मेमोरी, यानी कि इसको हम लोग रैम भी कह सकते हैं। भाई रैम का ही तो काम होता है डेटा को होल्ड करना, प्रोसेसिंग कराना। जुगप्रीत सिंह क्या पॉइंट है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम। जो प्रोग्राम आपकी रोम के अंदर परमानेंट बेसिस पर स्टोर होते हैं, इसमें बायोस प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है परमानेंट बेसिस पर, तो भाई ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है फर्मवेयर। ध्यान रखिएगा। नहीं, आज ईबीसी क्लास नहीं होगी, आज सेक्शन रहेगा आपका कंप्यूटर का। ठीक है, बेटा यहाँ पे आंसर क्या रहेगा?
फर्मवेयर, विच आर द मेमोरी इज वॉलेटाइल, रैम है, रोम है, या ईपी रोम या फिर पी रोम? तो भाई यहां पर ध्यान रखना, रैम जो है वो कैसी है, वॉलेटाइल है, ठीक है, और बाकी सारी कैसी हैं, ये नॉन वॉलेटाइल हैं। बाकी सारी की सारी नॉन वॉलेटाइल, रोम भी नॉन वॉलेटाइल है, ईपी रोम, पी रोम, ये सब नॉन वॉलेटाइल है। मतलब क्या हुआ वॉलेटाइल का, पावर ऑफ होते ही डेटा लॉस। ठीक है, तो की क्या विशेषताएं है भाई, इसमें से बताना है आपको, जो उसे उपयोगी बनाती है। रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड, या फिर रोम इज ए नॉन वॉलेटाइल? बिल्कुल, रोम नॉन वॉलेटाइल है, इट रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। सही है, ये तो सही है। रोम प्रोवाइड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, नो नो, रोम तो बहुत छोटी होती है, रोम चिप इजीली स्वैप्ड, डी भी सही है। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो 50 का आंसर बन जाएगा बी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाई, भाई ये कहाँ किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो ये आपका आंसर आएगा बी, बाइनरी कोड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाइनरी कोड्स। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इज मैन्युफैक्चर्ड। रोम होगा, रैम होगा, पी रोम या ईपी रोम? तो भाई यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका पी रोम। देखो रोम का टाइप होता है पी रोम, यही सबसे पहले प्रोग्राम होती है, और इसमें अगर एक बार प्रोग्राम आपने लिख दिया तो इसको आप दोबारा इरेज नहीं कर सकते, ये दोबारा इरेज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सर आपका स्पेस, स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। एड्रेस कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे, नंबर कहेंगे, या फिर मेमोरी? तो भाई यहाँ बनेगा आपका एड्रेस, ऑप्शन बी। एड्रेस स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करते हैं और फिर इसको कंट्रोल यूनिट के पास पास कर देते हैं। ठीक है अरविंद, क्या क्वेश्चन था इसका? प्ले स्टोर सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन? भाई एप्लीकेशन ही होगा, बिट्टू कह रहे हैं सर भाई ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, बट ये इनबिल्ट। हाँ ठीक है, सही है।
इन मैनेटल डिस्क डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन प्लेटर, डेटा को प्लेटर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो ट्रैक के फॉर्म में होता है। ठीक है, आंसर बनेगा बी, ट्रैक। आफ्टर कॉपी द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पेस्ट, अगर यानी कि एक बार आप किसी कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं तो कितनी बार उसको पेस्ट किया जा सकता है? तो भैया यहाँ पे आएगा मैनी टाइम्स, कितनी बार कर सकते हैं आप? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम, कंप्यूटर प्रोग्राम की सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले निर्देश किससे प्राप्त होते हैं? तो भैया वो होते हैं आपकी हार्ड डिस्क से, या कैश मेमोरी से, या रैम से, या फिर रजिस्टर से। बच्चों आज सेशन को भाई शेयर नहीं कर रहे हैं आप, सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा आप लोग। भाई मैंने पहले ही कह दिया है, जो बच्चे KVS, जो बच्चे NVS, जो बच्चे DSSS, ठीक है, और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कम से कम 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे आज 10 नंबर के। जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा उसको घर देने जाएंगे भैया हम, वैक्सीन की तरह। वैक्सीन भी घर पर लगने वाली है ना उस टाइम में। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टर्म इन देयर मीनिंग, तो भाई यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, बिट्स क्या होती हैं, और प्लेटर्स क्या होता है, और एक्सेस टाइम क्या होता है। यहाँ तक ए बी सी डी ई मैच करने हैं, तो भाई ट्रैक तो मैच हो जाएगा डी से। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होते हैं हार्ड डिस्क पर, उसे हम ट्रैक कहते हैं। सेक्टर क्या है, जो पाई शेप्ड होती है उसे कहा जाता है सेक्टर। और बिट्स आपका ये रहा ए, बाइनरी डिजिट। प्लेटर्स आपकी ये रही बी, हार्ड ड्राइव इज कंपोज्ड ऑफ सर्वल ऑफ दिस ट्रैक ऑन अ स्पिंडल। और भैया एक्सेस टाइम हो जाएगा आपका सी, द टाइम इट टेक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, रिसीव प्रजापति प्लीज़ बता दें, क्या पूछ रहे हैं रिसीव प्रजापति? ये है सर, कंप्यूटर एप्लीकेशन से BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो भाई, बैचलर डिग्री के लिए का जो है ये BCA है ना, BCA मुश्किल है, BSc नहीं। BTech होना चाहिए या फिर MSc होना चाहिए आपके पास। BTech आपकी बैचलर डिग्री 4 ईयर्स की होनी चाहिए। रुद्र पांडे जी, तमीज़ तो है नहीं बात करने की, है ना? तुम्हें बुलाने तो आए नहीं थे हम, कि तुम्हें बुलाने आए थे भैया हम, कि भैया आ जाओ हमारे चैनल पे, है ना? नहीं पसंद आ रही है तो चले जाओ, ठीक है, और हमको तो पढ़ने दो। मतलब इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किससे हम क्या बात कर रहे हैं, तुम टीचर बनोगे हैं? हाँ, TGT में ही कह रहा हूँ मैं, सब इसका क्वालिफिकेशन का पूरा नोटिफिकेशन है, एक बार देख लो, पढ़ लो, ठीक है? ब्लॉक कर दिए जाओगे, दोबारा यहाँ पर आओगे नहीं चैनल पर। चलो खैर, तुम्हारी तमीज़ है, ये तुम्हारे संस्कार हैं, तुम अपने पापा को भी मम्मी को भी ऐसे बोलते होंगे ना घर पर। चलो अच्छी बात है, अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। एक एंटीवायरस एप्लीकेशन किसका उदाहरण है भाई, ये बताइए।
सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या फिर सभी। देखो भाई, ध्यान रखिएगा, एंटीवायरस आपके सिस्टम से क्या करता है, वायरस को रिमूव करता है। तो वायरस से रिमूव करता है तो क्या होता है, आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ती है। और ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी प्रोग्राम्स जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी को इनक्रीज करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, वो सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, क्या कहलाएंगे हमारे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डीफ्रैग, बैकअप सॉफ्टवेयर, स्कैन सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो भाई देखो, डीफ्रेगमेंटेशन भी होता है, बैकअप सॉफ्टवेयर से बैकअप लिया जाता है, स्कैन से स्कैनिंग होती है। तो बेटा यहाँ पे आंसर बनेगा नोटपैड। नोटपैड आपका कोई भी यूटिलिटी नहीं होता। हाँ बिट्टू चौधरी, आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा डी। अब सर आता है, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइजर कॉन्फिगर ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। मतलब सर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने में, मेंटेन करने में, एनालाइज करने में, कॉन्फिगर करने में, मॉनिटरिंग करने में हेल्प करते हैं, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे हमारे, सिस्टम एप्लीकेशन या यूटिलिटी। भैया ये भी क्या कहलाएंगे हमारे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। भाई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। अब तक मैंने आपको 60 क्वेश्चंस कराए हैं, इन 60 क्वेश्चंस में से किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर इज, मतलब एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से जुड़े एक विशेष प्रकार के उपकरणों को नियंत्रित करता है, वो क्या कहलाएगा, डिवाइस ड्राइवर कहलाएगा, असेंबलर एंड कंपाइलर कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, ये क्लास डेली तो नहीं होती है, ठीक है, ये हमारी क्लास जो होती है विशेष तरीके से संडे या सैटरडे में होती है, ठीक है। तो आप सैटरडे संडे में कभी भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वेलकम है आपका। तो बेटा यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट या फिर कैलकुलेशन एप्लीकेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ, इसके एग्जाम्पल हैं भाई देवेश, कुछ बताइए। तो भाई ये एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन लगाइए बी आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राधे राधे सर जी, अच्छे लग रहे हैं। वैशु थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छे क्या है, संडे भैया आज, ठीक है, बस कुछ भी देख रहे हो, सेविंग की नहीं है कई दिनों से, कोरोना काल में कुछ भी मन नहीं कर रहा है कि भाई बाहर जाए, कुछ भी करें, ठीक है। तो रजनीश क्लियर है पॉइंट, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सॉफ्टवेयर लोड योर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम सो दैट यू कैन यूज
कौन सा सॉफ्टवेयर आपके आवश्यक एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड करता है? यूडिटी सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर या फिर असेंबलर कंपाइलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं? तो भाई यहाँ पर आंसर बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, विंडो में से कौन सा वर्जन इसमें से सही नहीं है? विंडो एक्सपी होता है, बिल्कुल होता है, विंडो विस्टा बिल्कुल, विंडो 2007 या विंडो 8 या इनमें से कोई नहीं? तो भाई देखा जाए अगर तो विंडो 7 तो होता है, विंडो 2007 नहीं होता। अगर याद हो तो, ध्यान हो तो, विंडो 7 है वो, विंडो 2007 नहीं है। यही कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया क्वेश्चन। ठीक है जनीश, सोनिया कुमारी, वैशु, देवेश, कमेंट करते रहना भाई आप लोग। आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का है, लेकिन कोशिश करनी है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है या कम्युनिकेशन या एप्लीकेशन या वर्ड प्रोसेसिंग? भाई यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप का होता है, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। ये कौन सा है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूडी सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? वायरलेस स्कैनर का या कुर्ती पब्लिकेशन या फिर वर्ड स्टार या बोथ या कोई नहीं? तो भाई वायरस स्कैनर हमारा क्या है? एंटीवायरस, और एंटीवायरस इज एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेस दिया हुआ है प्रोवाइड बेसिक इंटरफेस टू यूजर टू यूज कंप्यूटर सिस्टम। यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो बेसिक इंटरफेस प्रदान करता है वो कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिवाइस ड्राइवर? तो यहाँ पे आंसर बनेगा डिवाइस ड्राइवर। नो नो नो, बी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट और कमांड दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, जीयूआई कहेंगे, आइकन्स कहते हैं जो लिस्ट कमांड डिस्प्ले होती है, या मेन्यूज कहते हैं विंडोज, तो भैया उन्हें कहते हैं मेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज एट अ वन टाइम इज कॉल्ड, उसे हम लोग इंटरप्रिटर कहते हैं या सिमुलेटर या कंपाइलर या कमांडर। तो आंसर आएगा कंपाइलर, जो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही क्या कर देते हैं सर, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट करता, वो होता है आपका कंपाइलर। लिनक्स जो है आपका, वो कैसा हो ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स है या माइक्रोसॉफ्ट का है या विंडोज का है या मैक?
वही लिनक्स बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनस टोरवाल्ड्स ने इसको बनाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये ओपन सोर्स होता है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। विशिष्ट प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो, जो सिस्टम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिन्हें यूज़र यूज़ करता है उन्हें हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। तो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर। तो भैया इसमें हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी यूज़ होता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाता। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। स्पेस दिया हुआ है कंट्रोल द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड्स यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या मदरबोर्ड। तो भाई ये आएगा आपका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वे विच कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरीके को नियंत्रण करता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है, और यूजर को कंप्यूटर के संपर्क में करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट या कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा जिसमें स्पेसिफिक रूल्स और वर्ड होते हैं, या फिर सिंटैक्स, या प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, या फिर लॉजिक चार्ट, या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स होते हैं। ठीक है सर, द मैनुअल टेल यू हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो डॉक्यूमेंटेशन बताता है, प्रोग्रामिंग बताता है, या टेक्निकल, या फिर यूजर। तो भाई यहाँ पे आंसर बनेगा आपका यूजर मैनुअल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, तो भाई ये थे हमारे 75 क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए हैं आपकी क्लास में। इन क्वेश्चंस में से आपके समझ लो कि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फंसेंगे आपके। ऐसे ही हम आपकी हर संडे को इस तरह की मैराथन क्लास लगाते रहेंगे,
और आपको 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन देंगे आपको हर बार। तो भाई इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है, हमारे साथ बने रहें, ठीक है। टीचर सड्डा की पूरी टीम आपके साथ बनी हुई है, और फिर हम लोग कल से स्टार्ट हो रहे हैं, कल से मिलेंगे आपके साथ ईबीएससी क्लास को लेकर के शाम को 7 बजे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू क्लास, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।